सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बलजीत। आज मैं फिर से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में हरि दर्शन विद बलजीत। और आज मैं झंडेवालान देवी मंदिर आया हूं, वैष्णो मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल टेम्पल है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सो यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर की, ये मैं भी अंदर जाते हुए, यहाँ से आप सामने ही जूतियों का पंडाल है जहाँ पे आप जूतियाँ जमा करानी पड़ेंगी आपको। बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है, जब मैं गया था तब भी बहुत भीड़ रही थी। और नवरात्रों के टाइम तो आप यहाँ पे दर्शन करना ही बहुत मुश्किल होगा आपको, बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है, बहुत बड़ी कतार रहती है। और अभी ये सामने ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये गेट है, एंट्री गेट है मंदिर का। ये मंदिर के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा कि 18वीं सदी में आज जिस जगह पे ये मंदिर है ना, तब यहाँ पर अरावली श्रीलंका की हरी भरी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, घने वन व कलकल पहाड़ियाँ हुआ करती थी और पशु पक्षियों का बसेरा हुआ करता था। इस वन की सुंदरता व शांत वातावरण के कारण लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। और यहाँ देखिए, ये सामने ही आप वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। इससे ठीक नीचे ही, अभी मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर गुफा को बंद कर रखा है अभी फिलहाल के लिए, जहाँ पे वैष्णो देवी जी की मूर्ति ऑटोमेटिकली नीचे जमीन में से मिली थी। सो उसी के ठीक ऊपर ये सामने टेंपल बनाया गया जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं वैष्णो देवी की जी के। और ये देखिए, यहाँ से छोटी छोटी ये हनुमान जी हैं सामने, ये देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत टेंपल बनाया गया, जरूर दर्शन करें एक बार इसके। और ये देखिए सामने गणेश जी, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं, स्थापित की गई हैं। ये देखिए माँ शेरा वाली, ये देखिए, सारी माताओं की। और यहाँ पे ये श्री कृष्ण जी को भी दिखाया गया है। ये देखिए कैसे ये जोत के लिए कैसे लोग भीड़ उभर रही है। यहाँ से जब मैं अंदर गया और लाइन में लग के जाना पड़ता है, सामने बहुत भीड़ थी। और सिद्ध पीठ माँ झंडेवालानी दिल्ली का मध्य में करोलबाग में स्थित है। इसके धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व आप पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज आप जब इसका इतिहास पढ़ेंगे, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, पूरा तो मैं इतिहास नहीं बता सकता, लेकिन छोटे छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ चलूँगा इस टेंपल के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है सामने, ये देखिए, ये जहाँ पे जो ओरिजिनल मूर्ति पाई गई थी, मैंने टीवी में रिकॉर्ड की, ये है ओरिजिनल मूर्ति। और यही है सामने से, जब यहाँ पे चढ़ के जाएंगे तो शिव जी का ऊपर टेंपल है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो भी। और ये देखिए, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो शिवजी जी का बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लोगों की भीड़ उभरती है। यहाँ पर चांदनी चौक का एक प्रसिद्ध कपड़े वाला व्यापारी बद्रीदास आया करते थे, शायद आपको मालूम होगा। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे, माँ वैष्णो के भक्त थे, यहाँ पर सैर करने आया करते थे। एक समय था उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ कोई निकट में चश्मे के पास एक गुफा में प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। सो ये देखिए, कुछ ही समय बाद उसे फिर से मंदिर सपने में दिखाई दिया। और उसके बाद उस व्यापारी ने वहाँ पे खुदाई करवाई, मंदिर के शिखर पर उसको झंडा दिखाई दिया। तब उसके बाद व्यापारी को उसके बाद वहाँ पे वैष्णो देवी माँ की मूर्ति मिली। और दूसरी खुदाई कराई तो शिवलिंग मिला। शिवलिंग देख के वह भयभीत हो गया और उसे वहीं रहने दिया। आज भी वह शिवलिंग वह स्थित है गुफा में। गुफा में तो आपको पता ही है, मैंने बताया आपको कि गुफा अभी बंद कर रखी है, लेकिन आगे खोल दी जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से आपको बाहर आ गया हूँ। सो बहुत बड़ा टेम्पल है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, बहुत पुराना टेम्पल है। सो गाइज, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने पूरा टेम्पल को कवर करने की कोशिश करी है, छोटा छोटा इतिहास भी बनाने की कोशिश करी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहीं से मेरा वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।